चंदौसी कोतवाली पुलिस ने शातिर बाइक चोरों को चोरी की 5 बाइक के साथ किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद व अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार जायसवाल एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार जायसवाल के निर्देशन में चंदौसी कोतवाली पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब मुखबिर की सूचना पर मौलागढ़ की पुलिया से चोरी की बाइक तथा एक अवैध हथियार के साथ एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर चोरी की 4 बाइक और बरामद की। जिसके बाद पुलिस शातिर अपराधी परवेज निवासी अजीमगंज के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर उसे जेल भेजने की तैयारी कर रही है। इस विषय में पुलिस क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर मौलागढ़ की पुलिया से एक बाइक चोर को चोरी की 5 बाइक तथा अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसे वैधानिक कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। चंदौसी में जो खुलासा हुआ है मोटर बाइक का, ये क्या मामला है सर? थाना चंदौसी की फोर्स अपने ड्यूटी में गश्त में थी, सूचना मिली SHO को कि एक आदमी मोटरसाइकिल जो आसमानी रंग का सूट पहने है, एक मोटरसाइकिल के साथ खड़ा है। इस सूचना पर चंदौसी SHO अपना तुरंत गए और इस आदमी को उन्होंने अपनी टीम के साथ घेर लिया। आज ये सुबह करीब 6:15 की बात है, जब इसको पकड़ के लाया गया तो इसके पूछताछ करने पे इससे 5 और मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और जिनका रंग अलग अलग है। अब इनको नंबर अलग अलग नंबर अलग प्लेट से किसी दूसरे ज़िले के भी हैं इसमें गाड़ियाँ। अब SHO को इनको नंबर ट्रेस आउट करके ARTO से संपर्क करके ये गाड़ियाँ कहाँ की हैं उस मुकदमे को कनेक्ट किया जाएगा। अब इसको गिरफ्तार कर लिया गया, अब इसको जेल भेजा जा रहा है और आगे इसके खिलाफ अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। इनका कोई आपराधिक इतिहास भी है? हाँ, इसका विभिन्न थानों में कुल 14 आपराधिक इतिहास है, इसके ऊपर 14 मुकदमे दर्ज है। सर कुछ हथियार पकड़ गए सर? एक 12 बोर का कट्टा इसके पास मिला और एक नंबर प्लेट इसके पास से बरामद हुआ।